तिरंगा फिल्म को आप सभी ने देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि राजकुमार की वजह से दो बड़े कलाकारों ने इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। आइए उठाता हूँ पर्दा एक ऐसी गुमनाम कहानी के बारे में जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। अभिनेता राजकुमार को बॉलीवुड का अक्खर अभिनेता कहा जाता है। उनके स्वभाव के कारण अक्सर उनसे साथी कलाकार नाराज हो जाया करते थे। साल 1993 में राजकुमार डायरेक्टर मेहुल कुमार की फिल्म में नजर आए। इस फिल्म का नाम तिरंगा है। इस फिल्म में नाना पाटेकर उनके साथ अहम भूमिका में थे। फिल्म में नाना पाटेकर ने शिवाजी राव वागले का किरदार निभाया। इस रोल के लिए मेहुल ने पहले रजनीकांत से बात की थी, क्योंकि असल में उनका नाम भी शिवाजी था। साथ ही वे किरदार में शूट भी कर रहे थे। रजनीकांत को भी स्क्रिप्ट पसंद आ गई थी, लेकिन अभिनेता राजकुमार को लेकर उन्होंने काफी कुछ सुन रखा था, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी नहीं भरी। रजनीकांत के बाद मेहुल ने नसीरुद्दीन शाह से संपर्क किया। फिल्म का किरदार उन्हें भी जचा, लेकिन नसीरुद्दीन शाह का भी राजकुमार के साथ काम करने का मन नहीं था। ऐसे में वे भी फिल्म का हिस्सा नहीं बने। आखिर में मेहुल ने नाना पाटेकर को राजी किया, लेकिन नाना ने फिल्म की शुरुआत में ही शर्त रख दी कि यदि राजकुमार ने सेट पर कुछ उल्टा सीधा कहा तो वे फिल्म बीच में ही छोड़ देंगे। इस पर मेहुल ने उन्हें आश्वस्त किया कि सेट पर ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप जानते ही हैं कि इस फिल्म ने उस साल ही नहीं अपितु अभी तक काफी नाम कमाया।